वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो सीखेंगे वो है न्यू ईयर स्पेशल। गोपाल जी के लिए बड़ी प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी गोपाल जी के साथ साथ ये ड्रेस ज़रूर पसंद आएगी। और ये गोपाल जी की बहुत ही आसान तरीके से बनाई हुई ये ड्रेस है, बहुत ही इजी मेथड है इसका। तो आइए देखते हैं हमारी वो ड्रेस किस टाइप की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोपाल जी की बड़ी प्यारी सी ड्रेस और मैंने इसमें ये तितलियों वाला डिज़ाइन बनाया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसको मैंने ये तीन कलर में बनाया है, ग्रे, लेमन एंड पिंक। फ्रेंड्स, ये तीन नंबर की ड्रेस है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और इस पर छोटी छोटी मैंने तितलियाँ बनाई हैं, बटरफ्लाई। और ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और मुझे भी जल्दी थी इस ड्रेस को बनाने की, किसी तरह ये ड्रेस बने और मैं आप लोगों तक इस ड्रेस को लेकर आऊँ। तो ये देखिए, आज हम इसी को बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स। और मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े आराम से इसको सीख जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ये जो मैंने तीन नंबर में बनाई है ये ड्रेस, तो अब हम जो सीखेंगे वो हम चार नंबर गोपाल जी की ड्रेस सीखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चार नंबर साइज़ की गोपाल जी की ये हमने चोली बनाकर रेडी की हुई है। और इसका वीडियो मैंने बना दिया है अपने चैनल पर और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसे बनाने से पहले फ्रेंड्स देखते हैं हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलर स्कीम मैंने सेट की है। इसमें तो मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है, लेकिन अब जो मैं पाँच नंबर की साइज़ में बनाऊँगी वो मैं ये ऑफ वाइट कलर से बनाऊँगी, ताकि आपको जो कलर पसंद आए, जिसमें आपको ये ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगे, आप उसी में बना सकते हैं फ्रेंड्स, और आपकी चॉइस है। और ये हमारा क्रोशिया है, 1.75 mm का ये मेरा क्रोशिया है फ्रेंड्स। ये सीज़र और ये कुछ स्टोन्स हैं तितलियाँ जो मैंने बनाई हैं उनके ऊपर चिपकाने के लिए। और ये जो लोग फ्लावर्स बनाते हैं या मार्केट में फ्लावर्स बनाने का सामान मिलता है क्राफ्ट की शॉप पर, ये फ्लावर्स में काम आते हैं फ्रेंड्स। ये पोलन है, तो इस टाइप के हमने ये तितलियाँ जो बनाई हैं, ये देखिए इसमें ड्रेस में हमने इनको यहाँ पर चिपकाया है, ताकि तितलियों की जो मूँछें हैं वो इससे हम बना सकें और ये बहुत सुंदर लगेगी। तो ये देखिए, और हमें इनको चिपकाने के लिए ग्लू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बनी हुई कोई भी ड्रेस अगर बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पर उनकी पिक शेयर कीजिए मेरे साथ, और मैं जल्दी ही आप लोगों की बनाई हुई प्यारी प्यारी ड्रेसेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार नंबर साइज़ की चोली बनाकर मैंने रेडी की हुई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये चोली बनाने के बाद मैंने 1, 2, 3, 4, 5 तो मैंने डबल क्रोशिया की रो बनाई है इसमें, और यहाँ लास्ट में मैंने एक सिंगल क्रोशिया से रो बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो घेरा बनाने से पहले फ्रेंड्स, हमें इसमें कलियाँ बनानी है। तो कलियों का हिसाब लगाया जब मैंने, तो मुझे यहाँ पर 36 यहाँ पर डबल क्रोशिया चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास जो थे ये 19 डबल क्रोशिया है। वो कैसे, क्योंकि पांच ये डबल क्रोशिया बाजू वाले थे, पांच इस बाजू के और 9 हमारे बीच में थे, तो टोटल ये हमारे पास 19 डबल क्रोशिया हुए। 19 डबल क्रोशिया को अगर हम एक चेन के अंदर दो बार हम जैसे घेरा बनाते हैं स्टार्टिंग में, दो डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो हमारे पास ये 38 डबल क्रोशिया होंगे, लेकिन हमें चाहिए 36। इसलिए हम फर्स्ट में और लास्ट में एक एक बार हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जितने भी हमारे ये चेन स्टिच हैं उसमें हम 2-2 टाइम बनाएंगे। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये
ये हमारी दो चेन बनी हुई है, ये तीसरी चेन, और तीसरी चेन का ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। ऊपर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उप डालेंगे और यहाँ पर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बल लेंगे नेक्स्ट में, फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा घेरे का ये फर्स्ट राउंड होगा। और फर्स्ट में और लास्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जितनी भी चेन स्टिच बीच में है उसमें हम टू टू टाइम बनाते हुए डबल क्रोशिया ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में भी हमने ये एक डबल क्रोशिया बना लिया और फर्स्ट में भी हमारे पास एक डबल क्रोशिया है, तो टोटल ये हमारे 36 डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ से इसको, क्योंकि मैं घेरे का फर्स्ट राउंड बनाने के बाद ही जॉइंट करती हूँ ताकि गोपाल जी को पहनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, तो ये मैंने जॉइंट कर दिया फ्रेंड्स। और यहीं से मैं ये तीन चेन बनाऊंगी, तीन चेन का ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम घेरा जो बनाएंगे उसमें कलियाँ बनाएंगे, ये हमारे पास 36 डबल क्रोशिया है और 12 कलियाँ हम बनाएंगे, जिसके लिए 12 तिया 36, तीन डबल क्रोशिया की हमारी एक कली बनेगी। तो उसको एक कली बनाने के लिए फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये ऊपर से बल लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उप डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर से हम ऊपर से बल लेंगे फ्रेंड्स। और ये जो हमारा तीसरे नीचे से तीसरे नंबर का हमारा डबल क्रोशिया है उसके अंदर से हम नीचे से उठा के ऐसे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैंने पहले भी आपको बनाना हम सीख चुके हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए एक कली के लिए हमें ये तीन हमारे डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम ऊपर से बल लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में नीचे से हम, यानी कि हमारे पास ये फ्रंट पोस्ट के बाद दो डबल क्रोशिया हैं और नीचे से जो तीसरा डबल क्रोशिया है उसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हर दो डबल क्रोशिया के बाद हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो हमारी ये टोटल 12 कलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। और ये घेरे का हमारा सेकंड राउंड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये घेरे का हमारा सेकंड राउंड है और हम लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट में हमने फ्रंट पोस्ट के बाद दो हमारे ये डबल क्रोशिया हो गए, दो डबल क्रोशिया के बाद हम फिर से लूप लेंगे और ये वाला हमारा लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, और उसके बाद ये जो हमारे दो डबल क्रोशिया हमने बनाए थे यहाँ पर फ्रंट पोस्ट से पहले, और ये तीन चेन का एक डबल क्रोशिया होता है उसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया उप डालेंगे और यहाँ पर हम एक लूप निकालते हुए इसे यहाँ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे और यहीं पर हम फिर से तीन चेन बनाएंगे फ्रेंड्स। अब ये हमारा थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट हो गया और ये देखिए हमारी इसमें ध्यान से देखिए ये हमारी कलियाँ बन जाएंगी फ्रंट पोस्ट वाली। और यहीं से ये हमारा तीन चेन का एक डबल क्रोशिया, ऊपर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उप डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उप डालकर फ्रेंड्स ये हमारे ये देखिए सॉरी ये हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर, ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। दो डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम ये लूप लेंगे और ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है फ्रेंड्स इसमें सेम इसी में हम दोबारा से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए सेकंड चेन में हमारे ये दो डबल क्रोशिया हो गए, एक हमारा पहले का, तो ये हमारे तीन हो गए। नीचे हमारे पास ये दो डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर तीन हुए और फिर से हम ये लूप लेंगे और ये फ्रंट पोस्ट यहाँ पर इसे बना देंगे। ये देखिए फिर से हम लूप लेंगे, चेन स्टिच में डालेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर हम ये देखिए ये वाली जो चेन स्टिच है पहले वाली इसमें हम क्रोशिया उप डालेंगे ऐसे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में फ्रेंड्स हम
फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि नीचे वाले में हमारे पास 2 थे, अब 3 बन गए। फिर से ये लूप लेंगे और हम ऐसे यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो आप अच्छी तरह फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि हम अब ये जो हम कलियाँ हमारी बननी स्टार्ट हो गई, ये तीसरे राउंड में हम पहुँच गए हैं। पहले हमारे पास सेकंड राउंड में 2 डबल क्रोशिया थे फ्रंट पोस्ट के बीच में, फिर 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं फ्रंट पोस्ट के बीच में, फिर इसके बाद 4 हो जाएंगे, फिर 5, फिर 6। इस टाइप से हम बनाते हुए फ्रेंड्स हम ये टोटल घेरा जो हम बनाएंगे ये 8 इंच का हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे 4 नंबर गोपाल जी की ये ड्रेस है, तो हमारा जो घेरे का डायमीटर होता है वो हमारा 8 इंच होता है, और डिज़ाइन बनाने से पहले हम 6 इंच का डायमीटर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 6 इंच का डायमीटर इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे अपने घेरे को बढ़ाते हुए। कंप्लीट करके फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर, और अब हम 1 2 3 4 5 और ये 6, ये छठा राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 चेन बनाएंगे हम, 3 चेन का हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच में, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हम लोग नहीं बनाएंगे, दूसरे में बनाएंगे, तो उसके लिए ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। और ये जो हमारी 5वीं चेन स्टिच है इसमें हम 2 टाइम बनाएंगे, तो ये हमारे 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। ये 6 डबल क्रोशिया के बाद हम जैसे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए जैसे ये पहली कली में हमने फ्लावर नहीं बनाया, तो सेकंड के बीच में हमें फ्लावर बनाना है। उसके लिए जब हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे यहाँ पर, तो 6 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ बनेंगे। तो 6 डबल क्रोशिया का अगर हम सेंटर लेते हैं, तो 3 डबल क्रोशिया हमारे इधर बनेंगे और 3 ही हमारे इधर बनेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए ये हम लूप लेंगे, और जैसे हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरीके से हम ये फ्रेंड्स ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मार्किंग के लिए हम कि यह हमें नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर हमें फ्लावर बनाना है, तो ये बटरफ्लाई बनानी है, तो उसके लिए हमने ये एक चेन स्टिच ले लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में तो हम बनाते ही हैं जैसे 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज करने के चक्कर में। तो फिर से हम ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए अब हमने मार्किंग हमने कैसे करनी है अपने फ्लार ये बटरफ्लाई की, कि यहाँ पर हमने जैसे ये 6 डबल क्रोशिया है, पहली में हमने नहीं बनाना, दूसरी में हमने फिर दोनों के बीच में हमने 3 इधर और 3 इधर के बीच में हमने ये एक चेन स्टिच बना देनी है, मार्किंग करनी है हमने बटरफ्लाई बनाने के लिए। फिर इसमें मार्किंग नहीं करनी, इसमें हमने फिर से एक चेन स्टिच की मार्किंग करनी है। तो इसी तरीके से एक में बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे, एक में बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे, बस इस चेन इसका ध्यान रखना कि हमें एक चेन स्टिच बनानी है एवरी सेकेंड कली के बीच में। तो आइए अब हम इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स एक चीज़ और, ये यहाँ तो हमने ये कलियाँ बनाई हैं, तो इनका सेंटर हम इजीली ले सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये इसको फ्रंट पोस्ट ना बना के ये वाली जो है कि कोई और घेरे का डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, और साथ में आप प्लेन घेरा भी बनाकर ये डिज़ाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट में पहुँच गए हैं, और हमने एक एक कली के बीच में एक में हमने ये मार्किंग की है, एक चेन स्टिच की और एक में हमने नहीं की, तो हम लास्ट में पहुंच गए हैं। और लास्ट में पहुंच कर भी ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको हम बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट बनाकर फ्रेंड्स, और 3 चेन का ये एक चेन स्टिच है, ये 1 डबल क्रोशिया इसकी तीसरी चेन में क्रोशिया डाल लेंगे और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपको क्लियर नज़र आएगा, ये पता चलेगा। हमने जैसे ये पहली कली थी इसमें हमने
तीन क्रोशिए के बीच में, तीन डबल क्रोशिए के बीच में एक चेन स्टिच पहले में नहीं बनाया था, ये दूसरे में हमने बनाया, फिर तीसरे में हमने नहीं बनाया, चौथे में हमने बनाया। इसी तरीके से हमने एक में बनाया, एक में नहीं बनाया, ये हमने मार्किंग की है बटरफ्लाई बनाने के लिए। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे घेरे का 6 राउंड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7th राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, ये छोटी ड्रेस में मैंने ये बटरफ्लाई यहाँ पर पिंक कलर से बनाई है, लेकिन मैं इसमें लेमन से बना रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ये सीक्वेंस इसकी हम चेंज कर रहे हैं, तो अब मैं लेमन कलर से ये बटरफ्लाई बनाऊंगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहीं पर हम लेमन कलर अपना ज्वाइंट कर लेंगे। हम इसको क्रीम कलर को यहाँ से कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, और यहीं पर हम ये लेमन कलर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने ज्वाइंट कर दिया, ये एक चेन स्टिच बना देंगे। ये हम फ्रेंड्स दो चेन स्टिच बनाएंगे, तो दो चेन स्टिच हमने यहाँ बना दी, और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया को डालेंगे, और ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम ये सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। अब हमें फ्रेंड्स ये फ्रंट पोस्ट नहीं बनाने, हमने एवरी चेन स्टिच में हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ये देखिए। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये देखिए, ये हम नेक्स्ट कली, ये कली के बीच में आ गए, और यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, और तीन इधर, इसके बीच में हमारा ये एक चेन स्टिच हमने यहाँ ऊपर बनाया था, तो थोड़ा यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो इसके अंदर भी हम एक ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम बटरफ्लाई स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए बटरफ्लाई बनाने का हमारा तरीका, यहाँ हम तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से बल लेंगे, और इसके अंदर हम 3 टाइम ये हम ये 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से 3 चेन लेंगे, ये 3 चेन, और इसी के अंदर हम वर्क करेंगे फ्रेंड्स। फिर से हम ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से इसी के अंदर फ्रेंड्स हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 चेन, फिर इसी के अंदर फ्रेंड्स फिर से ये एक हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी बटरफ्लाई की जो नीचे वाली दो डिज़ाइन है, ये हमारा तैयार हो गया। और यहीं से फिर से हम ये देखिए, ये हम इसके अंदर हमने वर्क किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये इस साइड वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से हम क्रोशिया डालेंगे, और फिर से ये लूप निकालते हुए हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बन गया, और अब हम बटरफ्लाई का ऊपर वाला जो हमारा पंख होता है बड़े वाला साइज का, वो बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 चेन लेने के बाद फ्रेंड्स इसी के अंदर से ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके यहाँ से इसके नीचे से ऐसे हम वर्क करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए ये हम 2 बार लपेटेंगे, और इसी के नीचे से यहाँ से निकालते हुए हम यहाँ पर 3 क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक 3 क्रोशिया बन गया, फिर ये 2 बार लपेटेंगे, फिर ये हमारा दूसरा 3 क्रोशिया, 2 बार लपेटेंगे, फिर ये तीसरा 3 क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा ये 3 क्रोशिया हो गए, फिर यहाँ 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स इसी के अंदर यहीं पर फिर से यहीं से ये एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारा वर्क देखने में अभी कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। ये हमारा जो बटरफ्लाई बनेगी उसका ऊपर वाला ये वाला ये पंख तैयार हो गया। अब हमें यहीं से फ्रेंड्स ये इसी लूप में मैं क्रोशिया डालूँगी, ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है
अब अपने वर्क को थोड़ा हम ऐसे टर्न करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सिंगल क्रोशिया इस साइड में बना था। अब इस वाले में हम इस क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया, इसमें ऐसे करके हम क्रोशिया डालेंगे और ये लूप निकालते हुए यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर चार चेन बनाएंगे, एक चेन, दो, तीन और ये चार। ये चार हमारी चेन हो गई फ्रेंड्स। और फिर से हम दो बार लपेटेंगे और अब जैसे हमने यहाँ बनाया है इसी तरीके से इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे लूप लेते हुए। एक बार निकाला, ये दो बार निकाला, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, अभी हमने दो ट्रिपल क्रोशिया और बनाने हैं। ये दो ट्रिपल क्रोशिया हो गए हमारे और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ से फिर से चार चेन, 1, 2, 3, 4। ये चार चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए, यहीं से जिसमें हम ये बना रहे हैं ये इसी के अंदर से, और यहाँ ऐसे ही ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसी में हम वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। नीचे से लूप निकालते हुए ये सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हमारा वर्क कुछ देखने में फ्रेंड्स ऐसा है। ये देखिए, ये हमारी बटरफ्लाई तैयार हो गई है। और यहीं से फिर से हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये थ्री चेन बना के फ्रेंड्स, ये जो दो नीचे वाले पंखे हमारे बटरफ्लाई के, इनके पीछे से हम इन चेन स्टिच को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे पीछे कर लेंगे। और ये हमारा जो पहला चेन स्टिच हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम क्रोशिया उगड़ा लेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर फ्रेंड्स ऐसे ही हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना वर्क आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बटरफ्लाई ये रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारी बटरफ्लाई इस टाइप से रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। और अब हमें ये एक कली में बना, पहले कली में हमने नहीं बनाया, दूसरी कली में बटरफ्लाई बनाई है, अब तीसरी कली में हमें नहीं बनानी बटरफ्लाई। हमने सिंगल क्रोशिया करते हुए ये जो हमारी फोर्थ नंबर की हमारी कली है, इसमें हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी, इसके अंदर हमने जैसे ये बटरफ्लाई बनाई है, इसी तरीके से बटरफ्लाई हम बनाते जाएंगे। एक में बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे, और पूरा राउंड हम इसी तरीके से बटरफ्लाई बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये येलो कलर से ये राउंड कंप्लीट कर लिया और हमने ये सारी बटरफ्लाई बना ली है। ये देखिए, और हम अपने वर्क के लास्ट में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी हमने ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में पहुँच गए हैं, और लास्ट में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर इसे पहले वाला जो दो चेन हम बनाते हैं उसकी सेकेंड चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर इसे कट कर देंगे फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा ये, इसमें हमने ये पहले पिंक कलर लगाया, इसमें हमने पहले येलो कलर लगाया, तो अब हम चाहें तो इसको यहाँ से कट कर देंगे या इसको यहीं से हम नोट लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा येलो कलर अभी और वर्क करना है लास्ट में, तो यहीं पर हम नोट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने येलो कलर को यहाँ नोट लगा दिया और यहीं से अब हम क्रोशिया उग डालेंगे यहाँ पर। और ये जो हमने वाइट कलर यहाँ पर छोड़ दिया था फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम थ्री चेन बनाएंगे। ये हमने तीन चेन बना ली, तो तीन चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा घेरा बढ़ाना है हमने, तो उसका तरीका है ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट के बाद हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हम 5 के बाद हमने छठा जो हम डबल क्रोशिया बना रहे थे, ये बनाया हमने ये 4 के बाद, तो इसको हमने डबल बनाया, यानी कि पांचवे को हमने डबल बनाया। अब हम छठे को डबल बनाएंगे, तो हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया, ये थर्ड डबल क्रोशिया, ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया, और ये हमारा फिफ्थ डबल क्रोशिया,
और छठे को फ्रेंड्स हम हमेशा इस रो में हम डबल बनाएंगे ताकि हमारा घेरा आगे बढ़ता जाए, जैसे हम फ्लैट सर्कल में बनाते हैं। तो ये देखिए हम इसको, इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे फ्रेंड्स। ये एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया फ्रेंड्स, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये पांचवा डबल क्रोशिया, और छठे को हमने दो बार बनाना है फ्रेंड्स। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे, ये जो हम यहाँ पर बटरफ्लाई की ये बनाते हैं, यहाँ पर हमने तीन चेन बना के पीछे की तरफ हमने किया था, तो यहाँ पर हम हमेशा एक डबल क्रोशिया ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वैसे भी छठा आया है तो हमें यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाने ही हैं। अगर हमारी बटरफ्लाई बीच में आती है, छः डबल क्रोशिया से पहले ही आती है, तब भी हमें इस चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एवरी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये, और हर छठे डबल क्रोशिया को हम दो बार बनाएंगे, और इसी तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं, और एवरी सिक्स चेन में हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हमारा राउंड हमने यहाँ कंप्लीट किया है। ये देखिए, और अब हम यहाँ जो तीन चेन का एक डबल क्रोशिया बनाते हैं उसकी तीसरी चेन में क्रोशिया उड़ा लेंगे और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और यहीं से फ्रेंड्स फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, ये तीन चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया है, इसमें तो हमने एवरी सिक्स चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, अब हम एवरी सेवन्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए फ्रेंड्स ये देखिए हम एवरी चेन में वन वन टाइम बनाएंगे, और जो हमारी सेवन्थ की चेन होगी उसमें हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये फोर्थ डबल क्रोशिया, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ। तो ये हमारा जो एवरी सेवन्थ जो हमारा डबल क्रोशिया बनेगा, जो एवरी सेवन्थ चेन है उसमें हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हम राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं, और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एवरी सेवन्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया है, और एवरी चेन में वन वन टाइम बनाया है, और एवरी सेवन्थ चेन में हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया है, और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और फिर से हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, वन टू और थ्री। थ्री चेन बनाकर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये देखिए, अब हम बढ़ाने का जो तरीका होगा, अब हमारा सेवन्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया था, अब हमारी एट्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया होगा। तो हमारा ये वन डबल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, ये पांचवा डबल क्रोशिया, ये छठा डबल क्रोशिया हमारा, ये सातवां डबल क्रोशिया, और आठवें को हम हमेशा एट चेन में हम डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमेशा हम टू टाइम ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। और ये तो हमारा बढ़ाने का तरीका हो गया। और फ्रेंड्स हमें अपने फ्लावर्स बनाने के, ये जो हम बटरफ्लाई बना रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल बटरफ्लाई की शेप है इनकी, ये देखिए ये जो हम बटरफ्लाई बना रहे हैं, इनको बनाने के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो एवरी हम जो ये डबल क्रोशिया होंगे, ये एट्थ तो हमारे यहाँ बन चुके हैं, ये एवरी एट्थ में हम टू टाइम बना रहे थे फ्रेंड्स। तो ये हम काउंट करते हैं, एट नाइन्थ हो गए ये हमारे डबल क्रोशिया, ठीक है, ये हमारे नोट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हमारे नाइन डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम दसवां डबल क्रोशिया हमें और बनाना है, और दसवें डबल क्रोशिया के बाद हमें ऊपर एक चेन बनानी है। ये इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें बटरफ्लाई यहाँ बनानी है। फिर से हम लूप लेंगे,
और फिर से हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है, साथ में ये टू टाइम जब हमने डबल क्रोशिया बनाया तो नीचे से एवरी एट्थ चेन में हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ऊपर से हम 10वें डबल क्रोशिया के बीच में, हर 10 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन बनाकर अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क करते हुए लास्ट में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर हमने एवरी एट्थ चेन में हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, और हर 10वें डबल क्रोशिया के बाद हमने एक ये ऊपर मार्किंग की बटरफ्लाई बनाने के लिए एक चेन स्टिच बनाई। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमारे पास एक चेन स्टिच ज़्यादा है, तो हम इसे भी, ये देखिए हमारा, क्योंकि ये 10वां डबल क्रोशिया, इसके बाद हम ये चेन बनाएंगे। चेन बनाकर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेन कंप्लीट हो गई थी, ये 10वां डबल क्रोशिया हो गया था और यहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हमारे पास एक ज़्यादा है। फ्रेंड्स आपके पास कई बार हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो एक बार आप काउंटिंग करके चेक कर लीजिए कि हर 10वें डबल क्रोशिया पे ये एक चेन आ जाए बीच में। अगर आपका लास्ट में कुछ होता है तो आप 9वें डबल क्रोशिया के बीच में भी ये एक चेन बना सकते हैं फ्रेंड्स। 9वें या 10वें में ही आपको ये एक चेन बनाकर यहाँ पर हमें बटरफ्लाई बनानी होगी, जैसे हमने ये बनाई हुई है। तो यहीं पर मैं इसे, ये देखिए, यहाँ चेन स्टिच में डाल लेंगे और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स, अब हम यहीं पर अपना, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, पहले मैंने इसमें पिंक कलर बनाया था और इसमें येलो, अब इसमें मैंने पहले येलो कलर से ये बटरफ्लाई बनाई है, अब मैं पिंक कलर से बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ से हमने वाइट कलर कट कर दिया था, और यहीं से हम क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ पर ये हमारा पिंक कलर यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमने पिंक कलर यहाँ ज्वाइंट कर दिया। अब हम टू चेन बनाएंगे। टू चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एवरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक, ये जो हमारा ये जिसमें हम बटरफ्लाई बनाएंगे, यहाँ तक हम एवरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने येलो कलर से आपको ये बटरफ्लाई बनानी सिखाई है, अब मैं पिंक कलर से दोबारा आपको बनानी सिखाती हूँ, ताकि आप आराम से इस बटरफ्लाई को बना लें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये सिंगल क्रोशिया बना दिया, और यहीं से हम तीन चेन बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों बटरफ्लाई हमारी जितनी भी हैं ये एक ही मेथड से बनी है, चाहे वो पिंक है या येलो है। तो तीन हमने ये चेन बना ली। तीन चेन बनाने के बाद ऊपर लूप लेंगे और इसमें हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर थ्री चेन, फिर इसी के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से तीन चेन, फिर से लूप लेंगे और सेम इसी के अंदर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये टू टाइम डबल क्रोशिया हो गया, और फिर तीन चेन, ये तीन चेन हो गई फ्रेंड्स, इसी के अंदर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारा वर्क कुछ इस टाइप का है। ये जो हम बटरफ्लाई बनाते हैं, इसकी हमारी नीचे वाली पंख हमारे बटरफ्लाई के ये बन गए हैं। अब इस लूप को फ्रेंड्स, हमें जो वर्क करना है, हमें बटरफ्लाई बनानी, वो हमें ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए, इसके यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले यहीं पर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, और यहीं पे चार चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। ये फोर चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो बार लपेटेंगे और इसी के अंदर ये जो हमारा डबल क्रोशिया, इसके नीचे से हम ऐसे लूप निकालेंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया फ्रेंड्स, और यहीं पर इसी के अंदर हम फिर से हम दो बार और ट्रिपल
ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि बटरफ्लाई का ऊपर वाला पंख थोड़ा बड़ा होता है, जैसे हम ड्रॉ करते हैं उसमें भी हम थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं ताकि हमारा ये वाला पंख बटरफ्लाई का थोड़ा बड़ा बने। इसके बाद फिर वही चेन, चार, तीन, चार, चार चेन बनाकर इसी के अंदर जिसमें हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इसी में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा बटरफ्लाई का एक पंख, ये वाला बड़े वाला रेडी हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए। और यहीं से हम अब हम ऐसे अपना वर्क टर्न थोड़ा सा घुमाएंगे और ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है फ्रेंड्स इसके अंदर क्रोशिया ऐसे डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद फिर चार चेन बनाएंगे, चार चेन बनाने के बाद ये दो बार लपेटेंगे ऊपर और यहाँ पर हम तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा, फिर से दो बार लपेटेंगे हम, ये दूसरा हमारा ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो बार लपेटेंगे और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। फिर उसके बाद चार चेन, दो, तीन, चार, ये चार हमने चेन बनाई है फ्रेंड्स। और चार चेन बनाने के बाद ये देखिए इसी के अंदर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है, ये हमारी बटरफ्लाई रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो यहीं से फिर ये मैं आपको लूप दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो लूप है हमारा इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे, क्योंकि ये तो हमारी बटरफ्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हमें आगे के वर्क के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीन चेन बनाएंगे, वन, टू, थ्री। थ्री चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ये दोनों जो बटरफ्लाई के नीचे वाले पंख हैं इनको हम आगे की तरफ ऐसे करेंगे और पीछे से यहाँ पर जो पहला चेन स्टिच है उसी में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम एवरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये एक चेन स्टिच हमने मार्किंग की हुई है फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर ये इनके अंदर हम बटरफ्लाई बनाते हुए ये देखिए हमारी बटरफ्लाई इस शेप से बटरफ्लाई हम बनाएंगे और अपना वर्क हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम ये बटरफ्लाई बनाते हुए अपने वर्क के लास्ट में पहुंच गए हैं और ये बटरफ्लाई हमने लास्ट वाली कंप्लीट कर ली और यहाँ पर हमने ये तीन चेन बना ली। तीन चेन बनाकर ये जो दो हमारी बटरफ्लाई के नीचे वाले पोर्शन है इसको हम ऐसे आगे करेंगे और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला चेन स्टिच है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से लूप निकाल लेंगे ये ऐसे और ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम फिर से लूप निकालेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पिंक कलर से कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स और अब हम यहाँ पर इसको नॉट लगा देंगे यहाँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इसको नॉट लगा दिया, कट नहीं करा है। और यहीं ये जो पिंक कलर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया यहीं पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और ये जो हमने येलो मैंने वूल ऐसे छोड़ दिया था नॉट लगाकर अब इसको हम यहीं से इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया और इसी में हम यहाँ दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एवरी चेन के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे फ्रेंड्स। इसमें एक चीज़ और फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर आएंगे इसके लूप के अंदर तो यहाँ पर हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमेशा, जब भी हम इसमें पहुँचेंगे ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे जब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हमें एक चेन स्टिच भी हमें स्किप नहीं करना फ्रेंड्स। अगर हम स्किप कर देंगे तो यहाँ से हमारा झोल जैसा आएगा, टाइट हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये वाला जो लूप है ये तीन हमने चेन बनाई थी पीछे की तरफ
सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, इसी चेन की ये लूप में हम यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वरना हमारे घेर में झोल आएगा। और ये जो लास्ट यहाँ से फिर से हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हम वर्क करते हुए अपने रो के लास्ट में पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। और फिर हम फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने येलो कलर यहाँ से कट कर दिया, यहीं हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर भी हम एक लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको, ये देखिए येलो कलर हमने यहाँ स्टार्ट किया था, इसी में हम क्रोशिया उग डालेंगे, ये जो हमारी दूसरी चेन थी। और यहाँ से लूप निकालते हुए इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे और यहीं से फ्रेंड्स इसको हम कट कर देंगे। ये हमने यहाँ इसको कट कर दिया, ये देखिए बटरफ्लाई के पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से हमने इनको कट कर दिया। और ये हमारा वर्क यहाँ घेरे का कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और जितने ये थ्रेड्स निकले हुए हैं इनको मैं पीछे की तरफ यहाँ सेट कर दूँगी। और ये देखिए कि हमारे गोपाल जी का नेक है, ये इस पर भी मैंने जैसे यहाँ पर ये देखिए ये दो कलर से वर्क किया है सिंगल क्रोशिए का, ऐसे ही हम नेक में बनाएंगे और ऐसे ही हम स्लीव्स में बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें नेक में भी वर्क कर लिया, पहले पिंक से किया फिर हमने येलो से किया, ऐसे ही हमने यहाँ बाजू में कर लिया पिंक से फिर येलो से। और आप इस ड्रेस को दोनों साइड से पहना सकते हैं, ये देखिए इस साइड से भी इस साइड से भी। और इसमें देखिए ये हमारी बड़ी ड्रेस है, इसमें अभी हमने बटरफ्लाई ये डेकोरेट नहीं की है फ्रेंड्स, और ये हमारी छोटी ड्रेस है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये एक्सेसरीज़ नहीं है कुछ डेकोरेट करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ऊन से कैसे ये जो बटरफ्लाई हमने बनाई है इनको आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप ब्लैक कलर की वूल लीजिए और आप ये जो बटरफ्लाई है इसके यहीं पर ऐसे रख लीजिए यहाँ ऐसे, और एक बार घुमाइए इसके, एक राउंड दे दीजिए इसके नीचे से। एक राउंड देने के बाद फ्रेंड्स ये नीचे से एक राउंड आ गया हमारा, उसके बाद ये दूसरा राउंड है। इसको ऐसे घुमाते हुए फ्रेंड्स ये जो हमारी बटरफ्लाई का बीच वाला पोर्शन है यहीं से आप इसको घुमा दीजिए तीन बार, एक दो ये तीन फ्रेंड्स ये देखिए। और यहीं से फिर ये जो हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था इसको हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इनको नॉट लगा दिए। अब यहीं से अब इसको हम यहाँ कट कर देंगे दोनों को बराबर से। तो ये हमने देखिए ये हमने नॉट लगा दी, ये बिल्कुल हमारी जैसे बटरफ्लाई होती है उसी टाइप से हमारी शेप आ गई है बिल्कुल यहाँ पर। फिर उसके बाद ये भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमने बटरफ्लाई बनाई है इसके ऊपर भी आप ऐसे यहाँ पर ये ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये देखिए हमारी ड्रेस जब डेकोरेट हो जाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी, और ये हमारी बटरफ्लाई भी इस टाइप से हम डेकोरेट करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी ये देखिए। तो मैं आपको डेकोरेट करके फ्रेंड्स इसको ड्रेस को कंप्लीट दिखाती हूँ, और ये ऐसे भी बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। अगर आप इसको डेकोरेट कोई स्टोन भी ना हो तो सिर्फ सिंपल इस टाइप से आप बनाकर और इस ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं और गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो मैं कंप्लीट करके आपको इसे डेकोरेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी छोटी ड्रेस और ये हमारी बड़ी ड्रेस। तो ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह इसको डेकोरेट कर दिया, और डेकोरेट करने के बाद ही कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही है। और ये गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ पर भी ब्रोच टाइप से ये एक्सेसरीज लगा दी है यहाँ पर। तो ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, और ये इसको आप दोनों साइड से भी ऐसे पहना सकते हैं ये देखिए।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम, मेरा वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है ये ड्रेस गोपाल जी को तो पसंद आएगी ही आएगी, और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स भी करें। राधे राधे।